नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंट ईयर आईएएस कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं इंडियन पॉलिटी में चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे केंद्र में प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही राज्य में चीफ मिनिस्टर होता है। केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। तो जो गवर्नर होगा वो नॉमिनल हेड होता है, जिसको कि डी जूरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, नाम मात्र का कार्यपालक होता है, और इसको डी जूरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, डी फैक्टो का मतलब फैक्चुअल है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, डी फैक्टो क्योंकि फ्रेंच वर्ड है, डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन ये फैक्ट के रूप में याद कर लें तो फैक्ट है वो चीफ मिनिस्टर एक रियल है और जो डी जूरी होता है वो नॉमिनल होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें डी फैक्टो कौन है। पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल, जैसे मैंने बताया कि जैसे चीफ मिनिस्टर होते राज्य केंद्र पे राज्यपाल प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य में चीफ मिनिस्टर होते हैं। आर्टिकल 164 बोलता है कि चीफ मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर द्वारा, जैसे कि राष्ट्रपति अपॉइंट किए जाते हैं, प्रधानमंत्री अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वैसे चीफ मिनिस्टर गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और जो मेजोरिटी पार्टी होगी या गठबंधन होगा उसके नेता को गवर्नर अपॉइंट करेंगे। और अगर मान लो मेजोरिटी पार्टी या वो जो गठबंधन है, गठबंधन मेजोरिटी पार्टी नहीं है किसी की, तो गठबंधन होगा और गठबंधन केस में उसको एक महीने के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस अपना बहुमत साबित करने के लिए बोला जाएगा। चीफ मिनिस्टर है उनको ओथ कौन दिलाता है? तो चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो क्या होगा? चीफ मिनिस्टर की अगर डेथ हो जाती है तो जो रूलिंग पार्टी होगी वो अपना नेता चुनेंगे, उनको गवर्नर है वो शपथ दिलाएंगे। चीफ मिनिस्टर में भी मेंबर ऑफ एनी हाउस, वो विधानसभा का हो सकता है, विधान परिषद का हो सकता है, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। और अगर मेंबर नहीं भी है तो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, बशर्ते कि 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बन जाए, चाहे वो विधानसभा का बने या विधान परिषद का बने, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको बनना अनिवार्य है। और उनको ऑफिस में एंट्री से पहले शपथ लेनी पड़ेगी, और शपथ कौन दिलाएगा? गवर्नर दिलाएगा, गवर्नर। और शपथ किस बात की होगी? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो शपथ दिलाएंगे कि संविधान में निष्ठा रखें और पद और गोपनीयता की वो शपथ दिलाते हैं। पद और गोपनीयता का मतलब कि वो अपना जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो कभी भी सार्वजनिक करेंगे, जो भी वो राज्य से रिलेटेड अहम मामले होते हैं उनके बारे में। और वो अपने ड्यूटी का निर्वाह शुद्ध अंतःकरण से करेंगे, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे, इस नाम से वो शपथ ली जाती है। ट्रम्प होता है चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल होता है, वो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि राज्य विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर होता है उसका फिक्स नहीं है, वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर होता है टेक्निकली। हालांकि जब तक बहुमत है वो हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो वर्ड है कि उसका फिक्स है ऐसा नहीं है। गवर्नर जब तक कि उसकी बहुमत है उसको गवर्नर डिसमिस नहीं कर सकता, बहुमत है तो और कोई अल्टरनेटिव गवर्नर को खोजना पड़ेगा। सैलरी होती है चीफ मिनिस्टर की, सैलरी अलाउंस है वो कौन डिसाइड करता है? स्टेट लेजिस्लेचर करती है, राज्य का विधान मंडल करता है, विधायिका ही करेगी। और इसके अलावा सैलरी के उनको सब्सिडी अलाउंस होते हैं, भत्ते हैं, निवास स्थान है, मेडिकल फैसिलिटी है, वो सारी मिलती है। इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका क्या रोल है? जो चीफ मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होता है, रियल हेड होता है। और आप बोल सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर होता है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके मुखिया होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुखिया हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, हेड करते हैं इस गवर्नमेंट को वो। और जो दूसरे मिनिस्टर्स एडवाइज अपॉइंट किए जाते हैं वो चीफ मिनिस्टर द्वारा किया जाता है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे किया जाता है गवर्नर द्वारा। तो आप बोल सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर का रोल यहाँ पे काफी ज्यादा अहम हो जाता है, और चीफ मिनिस्टर ही उनके विभागों की घोषणा करता है, उनको अगर उनको लगता है फेरबदल करना हो तो फेरबदल भी करेंगे। कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर करता है। चीफ मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट की मीटिंग की प्रेजाइडिंग करते हैं। कैबिनेट क्या होती है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर स्टेट मिनिस्टर होते हैं, फिर वो उप मंत्री होते हैं।
डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनमें कैबिनेट की जो मीटिंग होती है वो मुख्य मीटिंग होती है, क्योंकि कैबिनेट में फैसले ले लिए जाते हैं और सभी काउंसिल मिनिस्टर उनको फॉलो करना होता है, उनको मीटिंग को प्रेजाइडिंग करनी होती है, वो चीफ मिनिस्टर करते हैं। और जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी वो करते हैं। अगर उनको लगता है कोई मंत्री ठीक काम नहीं कर रहा है, सलाह नहीं मान रहा है, तो वो मंत्री को रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं, और रिजाइन नहीं करता है तो गवर्नर को बोला जा सकता है इस मंत्री को डिफरेंस इनको हटाया जाए, डिसमिस कर दिया जाएगा मंत्री को। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर की बात मानना अनिवार्य है, कैबिनेट का पार्ट होना अनिवार्य है, कैबिनेट के जो फैसला होता है उसको उसमें हाँ करना अनिवार्य होता है। और चीफ मिनिस्टर है वो रिजाइन करेगा, किसको रिजाइन करेंगे, वो गवर्नर को रेजिग्नेशन देंगे। उस तरह की सिचुएशन में चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की वजह से सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कोलैप्स होते हो जाती है, सरकार गिर जाती है, नई सरकार आएगी। इन रिलेशन टू गवर्नर, अगर आर्टिकल है 163 या 164 165 ये आर्टिकल है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के रिलेशनशिप के बारे में होते हैं। चीफ मिनिस्टर एडवाइज द गवर्नर विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल, लाइक चीफ मिनिस्टर है वो एडवाइस करते हैं किसको, गवर्नर को, कुछ अपॉइंटमेंट केसेस में इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट होती है, जैसे कि एडवोकेट जनरल है राज्य, जैसे केंद्र में होता है अटॉर्नी जनरल, वैसे राज्य में एडवोकेट जनरल होता है सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर। फिर स्टेट पब्लिक पब्लिक कमीशन होता है सर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हरियाणा की बात करें HPSC है, राजस्थान की बात करें RPSC, उसके मेंबर चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा, किसकी सलाह पर, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर। इसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उनके अपॉइंटमेंट में एडवाइस करते हैं चीफ मिनिस्टर राज्यपाल को। इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का जहां तक मामला आता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होते हैं, जहां पे कानून बनते हैं राज्य के, विधानमंडल बोलते हैं इसको, तो वो ही एडवाइज द गवर्नर विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य विधान सभा विधानमंडल का सत्र बुलाना है या सत्र का अवसान करना है, सत्र को खत्म करना है, तो उस तरह के केस में ये स्थगित नहीं है, सत्र अवसान है वो करना हो तो जो एडवाइस करेंगे चीफ मिनिस्टर गवर्नर को। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम, ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर उनके पास बहुमत है तभी तो चीफ मिनिस्टर है, अगर बहुमत खो दिया तो बात उनकी नहीं मानी जाएगी। अगर बहुमत है तो अगर वो ये बोलते हैं कि राज्य की विधानसभा भंग होनी चाहिए तो गवर्नर को करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो फ्लोर ऑफ द हाउस होता है, सरकार की पॉलिसीज होती है उसकी अनाउंसमेंट की जाती है, चीफ मिनिस्टर हैं वो अनाउंसमेंट करेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस कि सरकार किस दिशा में जा रही है, पॉलिसी बताएंगे। इसके बाद आता है मामला दूसरी जो पावर है, स्टेट प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग बोर्ड होता है उसका चेयरमैन है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल होती है उसका चेयरमैन, उसके मेंबर होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी मेंबर होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड की जाती है, वो ही इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट है उसमें वो राज्य के मुख्य स्पोक्स पर्सन है। स्टेट लेजिस्लेचर होता है वहां का प्रवक्ता है, वो चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, वो स्पीकर होंगे। ही मैनेजेस क्राइसिस एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर पॉलिटिकल मतलब कुछ एक बागी हो जाते हैं इसको बोलते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन आ जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि उनको मैनेज करना, किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है, कि कोई नाराज है कोई कैसे है, उसको ठीक करना चीफ मिनिस्टर का काम होता है। इसके अलावा ही एक्ट एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन होल्डिंग ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, विभिन्न राज्यों में बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए जोनल काउंसिल होती है और जोनल काउंसिल का वाइस चेयरमैन होते हैं वो चीफ मिनिस्टर रोटेट करके होते हैं, होम मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है, देश का होम मिनिस्टर चेयरमैन होगा तो वाइस चेयरमैन होंगे, वो रोटेशन में चीफ मिनिस्टर होंगे एक एक साल। आर्टिकल कुछ एक आर्टिकल जो जिनका रिलेशन चीफ मिनिस्टर के साथ में, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, यहां तक कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं हम लोग अब यहाँ पे, फिर चीफ मिनिस्टर का हमने काफी डिस्कस किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे और फिर देखते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में भी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका काम क्या है, वो एडवाइस करते हैं गवर्नर को,
और जो आर्टिकल 163 ये बोलता है, 164 में अदर प्रोविजन रिलेटेड टू मिनिस्टर्स है, और 166 में है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट उसके बारे में होगा। 167 आर्टिकल है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर, कि गवर्नर को जानकारी देना ये राज्य चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होगी, 167 आर्टिकल में ये बात है। तो 163 में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आर्टिकल 163 बोलता है, ये आप याद रख ले सकते हैं। और उनके चीफ मिनिस्टर हेड होंगे जो कि गवर्नर को एडवाइस करेंगे उनके कामकाज में, एक्सेप्ट इन सो फॉर ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज फंक्शन इन हिज डिस्क्रिशन। और अगर मान लो उनकी एडवाइस में कोई विवाद हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उनको मानना बाध्य है। एक सेंटेंस है कि ही हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन वो बाध्य नहीं है, जैसे राष्ट्रपति केस में बाध्य होते हैं, वापस भेज देते हैं, वापस भी भेज सकते हैं वो। और जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो तो गवर्नर है वो फाइनल से होती है, गवर्नर की फाइनल से होगी। एडवाइस टेंडर बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर शैल नॉट इंक्वायर इन टू एनी कोर्ट, अगर जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगी गवर्नर को वो कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते उनको, तो वो गुप्त एडवाइस होती है, चैलेंज नहीं किया जा सकता उनको। अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और जो दूसरे मंत्री होते हैं वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे। और कुछ राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, ये जो राज्य हैं यहाँ पे 2006 में एक्ट आया था, 94th अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, यहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना जरूरी है, और उनके ट्राइबल वेलफेयर के पास में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का भी कार्यभार अतिरिक्त होगा, तो ये बातें इसमें लिखी हुई है। फिर टोटल मिनिस्टर है वो कितने हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 15% होंगे, 15% का मतलब होता है 3/20, 100 से करेंगे तो 15% हो जाएगा, इतने होना चाहिए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर के अलावा 11 दूसरे मंत्री होंगे और एक चीफ मिनिस्टर होंगे, 12 ये मैक्सिमम हो सकते हैं। हम जो यूनियन टेरिटरी बात नहीं कर रहे, हम राज्यों के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। एज पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अंडर 10th शेड्यूल शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, अगर कोई एमएलए डिस्क्वालिफाई होता है या एमएलए की मेंबरशिप जाती है तो मंत्री की मेंबरशिप भी जाती होगी और उसको जाएगी और उसको दोबारा मैंडेट लेना पड़ेगा जनता से, दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा अगर वो दोबारा मंत्री बनना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली उसके प्रति, विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति नहीं है, विधानसभा, ये बात जरूर आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आप विधानसभा कर सकते हैं, क्योंकि जो विधान मंडल होगा उसमें तो जो स्टेट लेजिस्लेचर उसकी बात आएगी, और आप विधान मंडल किस कब बोलेंगे, विधान मंडल तब बोलेंगे जब उस राज्य में विधान परिषद नहीं है, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद नहीं है तो विधानमंडल और विधानसभा एक ही बात होगी, लेकिन अगर विधान परिषद भी है तो विधानसभा के प्रति है। विधानसभा में क्या होगा, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सीधे विधानसभा में होते हैं एमएलए, और वहां पे कौन होता है एमएलसी विधान परिषद में, तो ये बात याद रखनी है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना उसके प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एक मंत्री होता है राज्य में वो उसका कार्यकाल कितना होता है, तो प्लेजर ऑफ द गवर्नर होता है, जो चीफ मिनिस्टर हो चाहे मंत्री हो, तो बिफोर ए मिनिस्टर अपॉन इंटर अपॉन इज ऑफिस गवर्नर शैल एडमिनिस्टर टू हिम ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है मंत्री को, बिना शपथ के है वो ऑफिस में एंट्री नहीं होगी। ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंजेक्टिव मंथ इज नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस, देखो एक मंत्री कोई भी बन सकता, कोई जरूरी नहीं है वो एमएलए हो, लेकिन एमएलए मंत्री बनने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर उसको या तो विधानसभा का या विधान परिषद का वो सदस्य जरूर बने, तो ये बात इंपॉर्टेंट होगी। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मिनिस्टर शैल बी सच एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन एंड काउंसिल और अंटिल द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट सो डिटरमाइन शैल बी स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल, जो मंत्रियों की सैलरी है या चीफ मिनिस्टर की है वो कौन डिसाइड करता है, ये सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है, वो राज्य की विधानसभा है वो डिसाइड करेगी।
कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट. देखो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो गवर्नमेंट के लिए जाते हैं राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं. और राज्यपाल है ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ गवर्नर शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर मे बी स्पेसिफाइड इन रूल टू बी मेड बाय द गवर्नर. तो गवर्नर कुछ रूल बनाते हैं और उन रूल को दिशा अनुसार ही उनको फॉलो करना होता है. ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं कि गवर्नर और जो मंत्री परिषद होती है उनके बीच में ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए, उनका लेखा जोखा ट्रांजेक्शन का उनसे रिलेटेड ऑर्डर रूल है वो गवर्नर बनाएंगे और उनको फॉलो करना जरूरी होता है. चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटी होगी, आर्टिकल 167 उससे संबंधित है कि वो जो सभी डिसीजन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे आर्टिकल ये, जो सभी डिसीजन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ, राज्यपाल के साथ में, राज्यपाल के साथ में. और राज्य की जो विधानसभा में जो भी लेजिस्लेशन रिलेटेड मामले चल रहे हैं वो भी कम्युनिकेट करेंगे किससे, गवर्नर के साथ में. टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड ए प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन एज द गवर्नर में कॉल फॉर, चाहे वो लेजिस्लेशन से रिलेटेड मामला हो या फिर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से मामला हो, चीफ मिनिस्टर है वो कम्युनिकेट करेंगे गवर्नर के साथ में. इफ गवर्नर देखो कई बार क्या एक मंत्री ने कोई फैसला ले लिया विवाद हो गया है तो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर के माध्यम से चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग बुलाइए और उसमें जो भी मामला है वो इसको निपटाने की कोशिश कीजिए. तो ऐसे गवर्नर बोल सकते हैं उस केस में. चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा जैसे, और दूसरे मंत्री है वो गवर्नर की एडवाइस, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. और जैसे मैंने बताया कि कोई भी बनाया जा सकता है मंत्री, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर है वो एमएलए या एमएलसी बनना पड़ेगा. और जो एक मंत्री एक हाउस का, मान लो विधानसभा भी है विधान परिषद भी है, तो जिस हाउस का वो एमएलए उसमें वो वोट डाल सकता है, हालांकि वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट दोनों हाउसेस में कर सकता है, विधान परिषद में भी विधानसभा में. ऑथ ऑफ मिनिस्टर है उनको कौन दिलाएगा, ऑथ है वो गवर्नर द्वारा दिलाई जाएगी. और किसकी द्वारा दिलाई जाएगी, वो संविधान में सच्ची निष्ठा श्रद्धा रखने की, जैसे चीफ मिनिस्टर की ऑथ थी वैसे ही दूसरे मंत्री की है. हमने पहले पढ़ी थी चीफ मिनिस्टर की ऑथ और वैसे ही दूसरे मिनिस्टर की है. पद और गोपनीयता की दिलाई जाएगी और संविधान में निष्ठा रखने की दिलाई जाएगी और अपना काम को बिना किसी भय के, बिना किसी मतलब बिना किसी भेदभाव के वो उनको करना, इस बात की शपथ दिलाई जाती है गवर्नर द्वारा. सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि हमने बताया, और जैसे चीफ मिनिस्टर था वैसे ही है. फिर है स्टेट कैबिनेट का रोल आ जाता है यहाँ पे. देखो तीन टाइप के मंत्री हो गए, कौन कौन से मंत्री होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर जैसे कि केंद्र में था. जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वही मेन होते हैं, वो डिसाइड करते हैं. और कैबिनेट मिनिस्टर्स में कौन कौन होंगे, जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं वो होते हैं. All the important decisions of the state administration are taken by the cabinet. Decisions of the cabinet are binding upon the council of ministers. तो अगर council of ministers ये हैं तो cabinet उसका part है. और ये मुखिया हो गए क्योंकि सब लोगों की meeting नहीं बुलाया जा सकती, तो इसलिए कुछ जो होते हैं वो decision लेते हैं और वो उनमें मानना मानने की सारी बात. Like union council of ministers, state council of ministers are also collectively and individually responsible to the state legislature, assembly and they have no legal responsibility. Legal responsibility का मतलब क्या है, no legal responsibility का मतलब कि देखो सरकार यहाँ पे ड्राफ्ट लाई, बिल लाई, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर में गया, वहां पे कानून बना, वहां पे पास हुआ और फिर राज्यपाल के पास भेज दिया, राज्यपाल ने साइन किए और वो एक्ट बन गया. तो बिल से वो एक्ट बन गया, अब वापस मंत्रियों के पास नहीं आएगा जैसे इंग्लैंड में आता है, इंग्लैंड में होता है कि मंत्रियों को भी साइन करने होते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है. इसलिए नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल एक बार उसमें स्टेट लेजिस्लेचर में चला जाता है सरकार की, तो फिर क्या है वो स्टेट लेजिस्लेचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसकी एसेट्स हो जाती है वो. तो ये बात थी बिल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जानकारी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट.